देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के बाहर जनवरी महीने में हुए बम ब्लास्ट मामले में एक महीने बाद भारत और इजरायली की जांच एजेंसी को इसमें ईरान का हाथ होने के सबूत मिले थे। इस बाबत भारत में ईरान के दूतावास ने बयान देकर आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हवाले से खबर आ रही है कि इजरायली दूतावास बाहर धमाका मामले में दो ईरानी नागरिक की पहचान हुई है। ये दोनों जाकिर नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने इन दोनों की पहचान ऑटो चालक की मदद से की है। वहीं दो ईरानी नागरिकों का जिक्र आने पर ईरानी दूतावास की ओर से कहा गया कि हम भारत की सभी जांच एजेंसियों का सम्मान करते हुए इजरायली दूतावास के बाहर विस्फोटों में ईरान के ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हैं। इसी के साथ दूतावास की ओर से कहा गया कि हम इसे भारत ईरानी संबंधों को खराब करने की साजिश के तौर पर देखते हैं।